ये बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, इट्स अ पार्टी ट्रैक, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये है एक ख़ास पंजाबियों के लिए, क्योंकि पंजाबी आजकल ग्लोबल हो गए हैं, सो मुझे लगता था ये कुछ 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 डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की है। टिपिकल पंजाबी गाना लेकिन आपको ग्लोबलाइजेशन नज़र आएगी इस गाने में। तो ये एल्बम है या सिर्फ सिंगल? इट्स सिंगल ट्रैक। तो आगे कोई एल्बम लॉन्च? एल्बम इसलिए नहीं मैं अभी कर रहा क्योंकि मैं ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि अपने एक गाने पे मेहनत करूँगा और सात गानों पे मेहनत नहीं करूँगा। और जब आप आठ गानों पे मेहनत करते हो और वीडियो एक या दो का बनता, छः गाने ख़राब हो जाते हैं, फिर इट हर्ट्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी सिंगल्स करूँगा। एल्बम तभी करूँगा जब मैं आठ के आठ वीडियो बना सकूँगा, मतलब जब मुझे लगेगा कि हाँ ये अभी मैं कर सकता हूँ। ये अभी टाइम भी थोड़ा कम रहता है, शोज चल रहे हैं, शूटिंग चल रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सिंगल के लिए टाइम निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। एक गाना बना के जल्दी से शूट किया और आप भेज सकते हो चैनल। आजकल पंजाबी में रैपिंग का बहुत ज़माना आ गया है, तो क्या कभी आपने सोचा कि कोई रैप करना? रैप का ज़माना तो पंजाबियों ने शुरू किया है, आजकल नहीं आया। ये जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं हमारे पंजाब के, हैं ये भी एक तरह का रैप ही होता है। बहुत ज़बरदस्त लोगों ने, पंजाबियों ने रैप शुरू से बहुत ज़बरदस्त किया। हाँ ये बात अलग है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली बार ही, मतलब अभी नया नया शुरू किया है लोगों ने कि अभी पंजाबी भी रैप करने हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब लोग पंजाबी में रैप करते हैं। जैसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिनमें एक मेरा छोटा भाई दिलप्रीत भी अभी आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। ये गाना कहाँ कहाँ शूट होने वाला है? ये गाना बहुत सी जगह पे शूट होने वाला है। पंजाब में शूट होगा, बॉम्बे में शूट होगा, एक आध और लोकेशन है। डायरेक्टर हमारे साथ हैं विशाल पाजी, ये डायरेक्ट करेंगे और बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी एक ये आ रहा है, एक मेरा सैड गाना आ रहा है, उसकी शूट के लिए आज जा रहा हूँ लंदन। और वो है, फिल्म आ रही है मेरी सितंबर के एंड में, कनाडा दी फ्लाइट। इस गाने में आपका यानी कि खास क्या है, क्या किरदार है आपका, क्या क्या करने वाले? मैंने भाई, मैं तो सिंगर हूँ, कंपोज़र हूँ। इसका म्यूज़िक गुरमीत जी ने किया, गुरमीत सिंह जी ने, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उन्होंने म्यूज़िक किया इसका। तो खास ये है कि ये थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। वही बोल रहा हूँ कि है चाहे बिल्कुल पंजाबी गाना, लेकिन इसमें आपको पूरे ग्लोबल की बात नज़र आएगी, पूरे ग्लोब की बात नज़र आएगी। आप बताइए डायरेक्शन हो तो कैसा डायरेक्शन? देखो जी, एक्चुअली ये भंगड़ा मिक्स गाना है जो हम लोग कर रहे हैं और चंडीगढ़ में शूट करेंगे हम लोग, जैसे पाजी ने बताया। और डेफिनेटली इसको एकदम ज़बरदस्त डांस नंबर बनाएंगे हम लोग और आप सबको बड़ा मज़ा आएगा उसका वीडियो देख के और ऑडियो सुन के, 101%। सर आप जल्दी दिखने वाले पर्दे पे? नहीं, पर्दे पे मैं पहले भी अपने, मेरे लास्ट मंथ मेरा गाना रिलीज़ हुआ था यांकर जी बालला, हमारा साथ में बाजी और मेरा, और तीसरी से हुआ था। तो अभी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं ये भी बहुत बहुत बढ़िया है। पहला गाना हिट हो गया है, तो अभी ये कहाँ पे शूट करने वाले हैं, किस तरह का सॉन्ग? ये सॉन्ग है एक्चुअली भंगड़ा सॉन्ग है और हम चंडीगढ़ में शूट करने वाले हैं इसको। आप कौन से जगह के जॉनर्स पसंद करते हैं गाने के लिए? डिस्को? मेरे को पार्टी सॉन्ग और भंगड़े वाला ही अच्छा लगता है। सैड वगैरह मैं रैप कर नहीं सकता उसमें। डायरेक्ट कौन कर रहे हैं इनको? डायरेक्ट विशाल दत्त जी कर रहे हैं। विशाल दत्त जी के साथ आपने पहले भी काम किया? तभी मैं वापस कर रहा हूँ, मेरे को काम अच्छा लगा इनका। ये एंड ऑफ मंथ करेंगे, अभी तो फाइनल कर रहे हैं हम, लड़की का अभी तो फाइनल कर रहे हैं, देखते हैं अभी कौन लेना। ये वाला एल्बम किस से रिलीज़ करेंगे? टी सीरीज से करेंगे, लुधियाना बेस्ट। लोकेशन बताएंगे क्या क्या है? नहीं वो बाद में, अभी हम चंडीगढ़ में करेंगे, अभी लोकेशन का भी फाइनल नहीं हुआ, भाजी फाइनल करेंगे। और ये इसको मेन चीज़ तो भूल गए भाई, जो हमारे फिल्म जो वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्निफिक इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस हैं लुधियाना से, वो इस वीडियो को प्रोड्यूस करेंगे। और ये एक आई एम श्योर के पंजाबी, जिस तरह मेरे तो पूरे परिवार को इतना प्यार दिया है, और इस गाने को जो हमारा पहले गाना था यंकन जी पालदा, वो भी सुपर हिट किया उन्होंने। और पंजाबियों की शान वक्री, बिल्कुल। यार मैं पंजाबी से कभी बाहर नहीं निकलना चाहता, मेरी मदर टंग है,
आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं इसीलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं पंजाबी में ही जीना चाहता हूँ, पंजाबियों में मरना चाहता हूँ। वो मैं कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए गाना ज़रूरी है बॉलीवुड में भी। गा भी रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ एक बॉलीवुड की, बहुत जल्दी अनाउंस होगी। लेकिन हाँ, मैं मतलब आखिरी सांस मैं पंजाब में लेना चाहता हूँ। Fabulously looking car. I absolutely